हाय पप्पी, कहाँ थी इतने दिन? तेरे नसीब के बाहर। बट यार पप्पी, इतने दिन बाद तुझे देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे वो एक्चुअली ना SRK की फिल्म आ रही है ना मेरे। हाँ तो क्या हुआ? अरे तो थिएटर के बाहर जुलाब बंद होने की गोली बेच रही मैं, और टिप मिलेगा वो अलग। अबे भिखारी, उसको भीख बोलते, टिप नहीं। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अरे बट पप्पी, तू जुलाब बंद होने की गोली थिएटर के बाहर बेचेगी, मुझे समझ नहीं रहा। अरे SRK ने कहा ना, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, तो वही जुलाब की गोली बेच रही हूँ मैं। पप्पी यार, तेरे इसी क्यूटनेस पे ना मेरे को दाढ़ी रगड़ने का मन कर जाता है। अबे जा बे, साला आया मेरे को भिखारी बोलने वाला, खुद ये वीडियो बना रहा सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, और आइंदा मुझे दिखना मत, वरना बॉयकॉट गैंग फेंक के मारूंगी, ब्लॉकबस्टर होता फिरेगा। बाय। हेलो गाइस एंड फेसेस, मैं सूरज कुमार। तो फाइनली कल वो दिन आ जाएगा जब फ्लिपकार्ट वाले मुझे पकड़ लेंगे कि कैसे मैं उनका टी शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर करता था और पहन लेता था और फिर रिटर्न के लिए अप्लाई करके रिफंड ले लेता था। नहीं यार, बट 4 साल बाद शाहरुख भाई सिनेमा घरों में आने वाले हैं। एंड दिल से एक बात बताओ, माँ कसम यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अब यार बॉलीवुड की फिल्म का भी डंका बजे, वो भी जोरदार, वरना बैंड बजाने के लिए तो हर कोई तैयार ही है बॉलीवुड की। बट यार अभी भी आपने नोटिस किया, शाहरुख भाई अभी तक प्रमोशन पे उतरे नहीं है, क्या पता उनको भी मजा आ रहा है इनकी जलाने में। बट यार पठान मूवी की वजह से 25 सिंगल स्क्रीन थिएटर जो बंद हो गए थे वो अब खुलने वाला है, एंड पठान फिल्म लगने वाली वहां पर भी, तो भाई बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी बात यार देखो, पठान अब बन गया है बॉलीवुड का बिगेस्ट एडवांस बुकिंग वाली मूवी इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि इसने ऑलरेडी वॉर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एंड करेंटली अगर मैं पठान का एडवांस बुकिंग का स्टेटस बताऊं तो 4 लाख टिकट तो बुक हो गए भाई साहब, एंड KGF 2 का जैसा 5 लाख था, तो अब मुझे ऐसा डर भी लग रहा है कि कहीं KGF 2 का भी ना तोड़ जाए, क्योंकि आज पूरा दिन भी पड़ा है। एंड बाहुबली 2 का कुछ तो 6 लाख से ज्यादा था, तो उसका तो हिसाब ही अलग है भाई, वो अपने लिख के बाहर ही है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि शायद KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ दे। देखो यार वही बात होती है, कैसा हमने हिंदी ऑडियंस साउथ की फिल्मों को सपोर्ट किया था, KGF 2 हिंदी में 435 करोड़ कमाई, इतना प्यार दिया हमने, RRR 275 करोड़ कमाई, इतना प्यार दिया। वही हमारी अगर बड़ी हिंदी फिल्म भी साउथ में डंका बजाए इतना कुछ कमा के, चारों स्टेट पांचों स्टेट से, तो भाई फिर इंडियन सिनेमा बोलने का अलग ही मजा था, अलग ही छाती चौड़ी हो जाती थी। एनीवेज अभी जब मैं 5 मिनट पहले बुकमाशो चेक कर रहा था पठान मूवी को लेके कि क्या एडवांस बुकिंग का स्टेटस दिखा रहा है, लाल बत्ती जल रही है कि नहीं सब जगह, तो झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे काफी थिएटर खाली अभी भी नजर आ रहे। अब पता नहीं इसको लेके क्या सीन है, वो तो कल ही पता चचलेगा। बट यार मेरी तो टिकट बुक हो गई, 9 बजे का शो है, एंड मैं जा रहा हूँ अपने 4 लोगों के साथ। अब फिल्म अच्छी लगी तो भाई 4 लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, नहीं तो 4 कंधा देने के लिए तो 4 लोग है ही है। बट मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार, मेरा एक्साइटमेंट बहुत ही ऊपर है। उसका रीजन ये है कि भाई ट्रेलर हमने देखा, ट्रेलर में कुछ भी नहीं रिवील किया गया, जबकि हमको मालूम है कि सलमान भाई का भी कैमियो होगा, एंड शायद से पोस्ट क्रेडिट सीन में ऋतिक रोशन भी देखने मिली है, ये सब भी हो सकता है, लेकिन ये सब का कुछ भी अता पता नहीं है। तुम आओ, सरप्राइज के बाद सरप्राइज लेके जाओ, तो ये एक चीज है जो मेरे को ना भाई अभी से ही एकदम, मैं वो बोलते ना कुर्सी की पट्टी बांध लो मौसम बिगड़ने वाला, भाई मैं कुर्सी लेके ही दौड़ रहा हूँ सब जगह, पता नहीं मेरे को इंतजार है कि भाई मैं कब थिएटर पहुंचूं और कब मैं सीटी वीटी मारूं यार, मजा लूं यार, क्योंकि मुझे मालूम है एंट्री से लेके इंटरवल बैंक से लेके भाई क्लाइमेक्स, यार मैं तो खुश हूँ भाई, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब देखो यार, मैं अभी भी डिनाई नहीं करूँगा कि फिल्म का अच्छा निकलना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पहले दिन आप स्टार पावर से जितना उखाड़ना है उखाड़ सकते हो, टू बी ऑनेस्ट ये बात तो डिनाई नहीं करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जिसका ट्रेलर भी घटिया था, फिर भी फर्स्ट डे पे 50 करोड़ का कलेक्शन आया था। हाँ बट उस दिन पे सबने फिल्म देख ली तो सबको मालूम ही पड़ गया कि कितनी सड़ीली फिल्म थी वो। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिल्म घुस गया, आमिर बुझ गया, तो यही होता है भाई साहब कि स्टार पावर से आप खींच लोगे लेकिन वर्ड ऑफ माउथ उसकी पॉजिटिव में रोल होनी चाहिए, तब जाके आप आग लगाओगे बॉक्स ऑफिस में। तो यार मेरे को तो अभी भी उम्मीद है कि फिल्म कैसे भी रहे बुरी तो भूल के भी नहीं हो सकते, तो मेरा एक्साइटमेंट एकदम हाई है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं धमाकेदार रिव्यू लाने को तैयार हूं, एंड मेरा सेलिब्रेशन एंड पठान मूवी को लेकर सारे डिटेल्स मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, सूरज कुमार रिव्यू इंस्टाग्राम पे सर्च करके फॉलो मारो मेरे को, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाओ, प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, बाय।